दोस्तों आपके घर में एक वाईफाई राउटर जरूर होगा, आपके घर में एक माइक्रोवेव ओवन भी जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक माइक्रोवेव ओवन और एक वाईफाई राउटर के बीच का कनेक्शन क्या है? क्या एक माइक्रोवेव ओवन अफेक्ट कर सकता है आपके वाईफाई राउटर को? और जो भी वायरलेस डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम राउटर इस्तेमाल करें, वायरलेस कीबोर्ड इस्तेमाल करें, माउस इस्तेमाल करें, इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो स्टैंडर्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही क्यों होती है? आज इस वीडियो में मैं पूरी विस्तार से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पहले से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडिशन में, आइए जानते हैं। अब दोस्तों कोई भी वायरलेस डिवाइस आप ले लीजिए, चाहे एक वायरलेस कीबोर्ड हो, माउस हो, एक वाईफाई राउटर हो, या इनफैक्ट अगर आप माइक्रोवेव ओवन को भी ले लीजिए, वहाँ पे हमको एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। यही फ्रीक्वेंसी क्यों लेते हैं हम? यहाँ पे देखिए, ये सब जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। माइक्रोवेव ओवन जो है ये माइक्रोवेव को एमिट करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हमको रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रेज, ऐसे हमको अलग अलग वेव्स देखने के लिए मिलती है, ठीक है। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स जो होते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी लगभग आसपास ही होती है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये दीवार को एमिट करके जाते हैं, इसलिए वाईफाई का सिग्नल हमको दीवारों के उस पार भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आप सभी को ये बैंड के बारे में बताऊँ, फ्रिक्वेंसी बैंड ऐसा ही नहीं लिया जा सकता है, अलग अलग तरीके के बैंड्स होते हैं। लाइसेंस्ड बैंड्स होते हैं और अनलाइसेंस्ड बैंड्स होते हैं। FCC फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे कैटेगराइज किया है। सबसे पहला अगर मैं आप सभी को बताऊँ, अगर मैं AM रेडियो के बारे में बताऊँ या फिर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी टेलीविजन के बारे में बताऊँ, वहाँ पे लाइसेंस्ड बैंड्स होते हैं, ठीक है। अब कंपनियां क्या करती हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में जो बैंड होता है रेडियो बैंड, उसको लाइसेंस के जरिए वो खरीद लेती हैं। वो इसलिए खरीद लेती हैं कि वो जो पूरा बैंड होता है ना, वो उनका हो जाता है और वो अपना कंटेंट उसी के अंदर चैनल के थ्रू वो दिखा सकते हैं। और वो इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि अलग नेटवर्क ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ जैसे और इंटरफेयर ना हो, इसलिए ये जो होता है ये लाइसेंस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। अब यहां पे अगर मैं आप सभी को एक वायरलेस कीबोर्ड के बारे में बताऊं, वायरलेस माउस के बारे में बताऊं, वाईफाई राउटर के बारे में बताऊं, तो क्या यहां पे जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है क्या उसके लिए भी हमको एक लाइसेंस खरीदना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अनलाइसेंस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। तो FCC ने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर बैंड रखा है जिसके लिए कोई भी फ्री है उस बैंड को इस्तेमाल करने के लिए। वो जो रेंज होता है वो होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.48 गीगाहर्ट्ज़। इसलिए जो स्टैंडर्ड होता है ना, जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव में भी या कीबोर्ड में भी माउस में भी, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही है, क्योंकि ये फ्री टू यूज़ है और अनलाइसेंस्ड है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो माइक्रोवेव भी इस्तेमाल करता है और हमारा वाईफाई राउटर भी इस्तेमाल करता है, तो क्या यहां पे इंटरफेयर होता है? जरूर होता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी होती है यहां पे, तो दोनों के बीच इंटरफेरेंस हमको देखने के लिए मिलता है। अगर आपके वाईफाई राउटर के पास माइक्रोवेव ओवन होगा और कई बार आप देखोगे कि आपका वाईफाई राउटर सही तरीके से काम नहीं करता होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो हो जाती है वहां पे, वो इसलिए होती है क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंटरफेयर करती है आपके वाईफाई राउटर के साथ। सिर्फ यही नहीं, अगर आपका पड़ोसी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई राउटर इस्तेमाल करता होगा, वो भी अगर आपके पास ही है, तो हो सकता है वहां पे भी आपको इंटरफेरेंस देखने के लिए मिले। इसलिए हमेशा आपको ये सलाह दी जाती है कि जो वाईफाई राउटर है वो माइक्रोवेव ओवन से काफी दूर रखिए ताकि इंटरफेरेंस ना हो। और यहां पे दोस्तों आपके मन में एक सवाल ये भी जरूर आता होगा कि 2.4 गीगाहर्ज आपका माइक्रोवेव ओवन भी इस्तेमाल कर रहा है, 2.4 गीगाहर्ज वाईफाई राउटर भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन जो है वो खाना पकाता है, जो वाईफाई राउटर है वो खाना नहीं पकाता है, ऐसा कैसे चलता है? तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसमें टेक्नोलॉजी अलग होती है। उसमें एक मैग्नेट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अंदर आपको एक कैबिनेट देखने के लिए मिलता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप देखने के लिए मिलती है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हिट करती है और कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, ठीक है। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, वो खाने पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो इसलिए खाना गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं आप सभी को वाईफाई के बारे में बताऊँ, तो वाईफाई में कॉन्सेंट्रेट
इंटरनेट नहीं होता है, वाईफाई एक ओमनी डायरेक्शनल होता है, उसमें जो वेव्स होती हैं हर तरीके से अलग अलग तरफ से वो जाती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो खाना गर्म कर देगा। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, माइक्रोवेव ओवन जो है वो 1000 वाट लगभग प्रोड्यूस करता है जो पावर है, लेकिन वाईफाई के बारे में बताऊँ तो 0.1 वाट, समझ सकते हो, मतलब 10,000 वाईफाई राउटर्स अगर होंगे आपके घर में तभी आप एक खाना पका सकते हो, वरना नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से वाईफाई राउटर और माइक्रोवेव ओवन के बीच का कनेक्शन जरूर पता चला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको भी आप जरूर दबाना, देखिए कैसा लगता है, और साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, इससे क्या होगा घंटी बजेगी, घंटी बजने से क्या होगा नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन में पहुंच जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।